राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। दिवाली के समय कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्त पर है। कई ऐसी मान्यताएं हैं जो आपका इस दिन बताएंगी कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है या नहीं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आपको कुछ विशेष जानवर दिख जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके पास माता लक्ष्मी आने वाली है। क्या आपको पता है कि वो कौन कौन से जानवर हैं? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से उन सभी जानवरों के बारे में जो अगर आपको दिवाली के दिन दिख जाए तो आपको लाभ पहुंचेगा या नहीं, सुख समृद्धि मिलेगी या नहीं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए विस्तार से और हमें क्या करना चाहिए इन जानवरों के मिलने के पश्चात। आइए शुरू करते हैं। दिवाली को लेकर शकुन शास्त्र में कुछ मान्यताएं प्रचलित है कि अगर आपको ये चीज दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र दिन में इन चीजों को दिखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। कहते हैं कि दिवाली के दिन इन सभी चीजों का दिखना माँ लक्ष्मी के घर आगमन का सूचक भी होता है। कुछ मान्यताएं शुभ फल देती है तो कुछ का फल अशुभ भी होता है। जैसे दिवाली पर छिपकली, छछुंदर, केसरिया गाय, उल्लू, कौवा या बिल्ली का दिखना, पुराने समय से जीवों का दिवाली पर दिखना कई प्रकार के संकेत देता है। इन संकेतों को जानकर हम और समझकर जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला जीव या जानवर कौन सा है। दिवाली के दिन गाय को देखना। गाय की उत्पत्ति भी महालक्ष्मी के साथ ही समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। अगर दीपावली पर इनके दर्शन हो जाएं तो यह साक्षात कामधेनु के समान होती है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हिंदू धर्म में गाय को माँ के समान माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी केसरिया रंग की गाय देखी है? शायद आप नहीं जानते होंगे कि शकुन शास्त्र में केसरिया गाय देवत्व का प्रतीक मानी गई है और अगर दीपावली पर इनके दर्शन हो जाए यह समृद्धि का संकेत लेकर आता है। दिवाली के दिन केसरिया रंग की गाय का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगली जो जीव है वह है उल्लू। दीपावली के दिन उल्लू का देखना किस प्रकार का संकेत देता है आइए जानते हैं। महालक्ष्मी के प्रिय वाहन उल्लू का अगर आपको दिवाली के दिन या रात में पूर्व दिशा की ओर से उल्लू बोलता हुआ दिखाई दे जाए तो आप समझिए 9/12/25 ये संकेत है कि पूरे वर्ष भर धन धान्य की वर्षा होगी। दिवाली की रात उल्लू का दिखना भी शुभ संकेत माना जाता है। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है इसलिए उल्लू अगर दिवाली की रात दिख जाए तो समझ लें कि आप पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना हुआ है। इसलिए उल्लू को माँ लक्ष्मी की कृपा से जोड़कर देखा गया है। वैसे दिवाली के दिन उल्लू का दिखना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर फिर भी आपको दिवाली के दिन अगर उल्लू दिख जाए तो समझ लें कि माँ लक्ष्मी आपके आसपास ही है। ऐसे में उल्लू को हाथ जोड़कर अपनी इच्छा बोले तो आपकी सभी मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण होगी। अगली जो जीव है वह है छिपकली। दीपावली के दिन छिपकली का देखना या शकुन क्या संकेत देता है आइए जानते हैं। छिपकली आए दिन घर की दीवारों पर नजर आ जाएगी लेकिन धनतेरस से भाई दूज तक के 5 दिनों में यह गायब हो जाती है। लेकिन जिस घर में धनतेरस या दिवाली की रात को छिपकली दिख जाए तो ये महालक्ष्मी के आगमन का संकेत समझिए। छिपकली देखने से वर्ष भर आपको धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और जीवन की हर परेशानी दूर होने लगेगी। छिपकली वैसे तो घर में हमेशा देखने को मिल जाती है लेकिन दीपावली की रात भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद अगर आपको तुरंत छिपकली दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। शकुन शास्त्र में बताया गया है कि दिवाली पर छिपकली दिखना माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का सूचक है। इतना ही नहीं छिपकली देखकर उसे प्रणाम करने से साल भर आपको धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और जीवन की हर परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अगली जो जीव है वह है दीपावली
दीपावली के दिन बिल्ली को देखना। अगर आम दिनों में बिल्ली आपके किचन से दूध पीकर चली जाए तो आप उसको घर में घुसने नहीं देंगे, पर दिवाली पर अगर बिल्ली आपके घर में प्रवेश कर जाए और आपके घर में रखा दूध पी जाए तो ये माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। वैसे तो रास्ते में बिल्ली का दिखना भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली के दिन बिल्ली का घर में दिखना बहुत ही लाभदायक होता है। इसे माँ लक्ष्मी के आगमन का सूचक माना जाता है। आप याद कीजिए, घर के बुजुर्ग पहले अक्सर कहा करते थे कि दीपावली के दिन शाम को सारे दरवाजे खुले रखें, और हमेशा कहते थे कि रात भर खुला रखो। उनका तर्क यह रहता था कि आज लक्ष्मी पूजन का दिन है और लक्ष्मी जी को आने के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। ठीक ऐसे ही यह भी कहा जाता रहा है कि काश आज दिवाली के दिन बिल्ली घर आ जाए। मान्यता है कि बिल्ली लक्ष्मी का रूप लेकर दीपावली पर घर आती है, इसलिए उसे रोका ना जाए। इसलिए दीपावली पर बिल्ली को मारने, भगाने या डराने से सख्त मना किया जाता है। अगली जो जीव है वह है दीपावली के दिन छछुंदर का दिखना। आपने अपने घरों में छछुंदर को तो देखा ही होगा। ये दिखने में चूहों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका मुंह आगे से थोड़ा सा बड़ा होता है। माना जाता है कि इनका घर में दिखना बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसे भी कई घर हैं जहां छछुंदरों ने सबको परेशान करके रखा है, लेकिन ये भी मान्यता है कि अगर आपको दिवाली वाले दिन छछुंदर दिख जाए तो आपको धन लाभ होकर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। दीपावली की रात अगर आपको छछुंदर दिख जाते हैं तो यह खुशी की बात है। शकुन शास्त्र के अनुसार छछुंदर अपने साथ पैसे लाने का सूचक होता है। अगर आपको ये दिवाली के दिन दिख जाते हैं तो इस दिन आप इनको भगाए नहीं बल्कि अपने रास्ते से जाने दें। अगली जो चीज है वह है, अगर आपको दीपावली के दिन रास्ते पर या रोड पर पैसा मिले तो आप उसे तुरंत उठा लें। आपको दीपावली के दिन रोड पर गिरे हुए पैसे मिल जाएं तो आप उन्हें तुरंत उठा लें, और लक्ष्मी पूजा पर दूसरे चांदी के सिक्कों के साथ साथ उनकी पूजा करें और अगले दिन उस पैसे को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख दें। इससे पूरे साल महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो समझिए पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहेगा। सड़क पर सिक्का मिलना सौभाग्य में बढ़ोतरी की निशानी है, इसलिए अगर दिवाली पर आपको कहीं भी सड़क पर सिक्का मिले तो आप उसे उठाकर प्रणाम करें और प्रणाम करते हुए धन के स्थान पर्स या फिर अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लें। इस सिक्के को आप खर्च बिल्कुल भी ना करें। अगले साल दिवाली पर इस सिक्के को किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आपको इन सभी जीव जंतुओं और इन सभी चीजों में से कोई भी संकेत मिलता है तो समझ जाइए कि पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहेगा। ऐसे ही धन की देवी महालक्ष्मी भी अपने जिस साधक पर अपनी कृपा बरसाती है उसे अपने आगमन के पहले कुछ संकेत जरूर देती है। हमें उसे बस पहचानने और अमल करने की जरूरत होती है। तो आप अपने इन संकेतों को पहचानिए, अपने जीवन में आने वाले सुख और समृद्धि को पहचानिए और माँ लक्ष्मी का पूरे तन मन और श्रद्धा के साथ स्वागत करिए। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली के सभी मेंबर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।